दोस्तों आज हम बनाएंगे एक्सटेंशन बोर्ड जिसके अंदर लगेंगे, ये एक डबल साकट है, यूनिवर्सल साकट है, और ये तीन सिंगल साकट हैं और एक ऑन ऑफ बटन है। ये छह सुराख वाली प्लेट है, दो सुराखों में ये अकेली साकट आएगी और बाकी चार के अंदर ये सिंगल सिंगल साकट आएंगी। तो सबसे पहले ये जो डबल साकट है, जो यूनिवर्सल साकट है, इसको फिट करने के लिए हमें ये सेंटर वाली एक जो है लाइन, इसको तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये देखो ये निकल गई, तो इसके अंदर हमारी आ जाएगी जी ये डबल साकट ऐसे। ये इस तरह आप इसको फिट करने का तरीका ये है, ठीक हो गया। अब हमारी लग जाएंगी जी बाकी की सिंगल साकटें और एक बटन है। एक बटन के साथ हमने कनेक्शन ऐसा करना है कि एक बटन के साथ ही ये चारों साकटें ऑन ऑफ हों, ठीक हो गया। अब हम इसके लगा देंगे सबके नट और इनको अच्छी तरह से कर देंगे हम टाइट। दोस्तों ये नट इसके सारे पेच हमने टाइट कर लिए हैं अच्छी तरह से, तो अब हमने इसके करने हैं कनेक्शन कि एक बटन ऑन हो और ये सारी साकटें ऑन हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि इनके जो है फेस की तार हम लगाएंगे, जो कि स्विच ऑन होगा और सारी साकटों के अंदर करंट आ जाएगा। ये जो डबल साकट है इसका ये चेक करें, इधर लिखा हुआ है एन न्यूट्रल और इधर एल लाइट है, इधर फेस लगना है, इधर न्यूट्रल लगनी है, और ये है अर्थ का पॉइंट। ये हम खाली छोड़ देंगे, अगर अर्थ की तार है तो इधर लगा दें वरना इसको खाली छोड़ दें। सबसे पहले हम तार लगाएंगे जो स्विच से लेके सारी साकटों को कनेक्ट करेगी। तो ये हमने एक तार का पीस लिया हुआ है, इसको हम लगाएंगे सारी साकटों के अंदर, सारी साकटों को कनेक्ट होती हुई ये स्विच के अंदर लग जाएगी। इधर से हम पीछे से इसको साकट के अंदर कनेक्ट करेंगे ऐसे कर। ये कनेक्ट हो गई, इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो है बाकी की साकटों से होती हुई ये स्विच के अंदर हम लगा देंगे इस तरह करके। ये तरीका है इसका। इसको हम सारी साकटों के जो पेच हैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, क्योंकि इसका जो है वो काम हो गया ख़त्म। ये देखें स्विच ऑन होगा, करंट नीचे आएगा और नीचे आके ये सारी साकटों के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हवा, अब बारी है हमारी न्यूट्रल लगाने की। न्यूट्रल हम ऊपर वाले पॉइंट को जो पेच है उनको लूज़ कर लेंगे, और ये पेच हमारा ये न्यूट्रल है, इसका पेच हमने लूज़ कर लिया हुआ है। अब हम लगाने लगे हैं न्यूट्रल। ये तार का एक पीस लेंगे हम, और ऊपर वाले जो बाकी के पॉइंट हैं हमारे साकटों के, उनको हम आपस में कनेक्ट करते हुए ये जो डबल साकट है उस तक ले जाएंगे। ये चीज़। अब है हमारी बारी मेन की। अब देखें ये पूरे बोर्ड के अंदर ये फेस की तार आ गई और ये आ गई न्यूट्रल की तार, ठीक है। अब हमने देनी है मेन। मेन किस किस को देनी है? एक मेन हमारी लग जानी है स्विच के अंदर जो फेस की तार होगी, ये फेज हमारा लग गया जी स्विच के अंदर, और जो न्यूट्रल होगी वो लगनी है हमारी साकटों के अंदर। ये लग गई न्यूट्रल। हम एक ही कलर की तार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमने बनानी है लीड। ये देखें दोस्तों ये हमारी होगी फेस की तार, ये फेस ऑन हुआ, स्विच ऑन हुआ, फेस आ गया नीचे और नीचे से होता हुआ ये सारी साकटों को कनेक्ट कर देगा, और न्यूट्रल हमारी जो है वो सारी साकटों के अंदर रहेगी। फेस को स्विच लगता है ताकि स्विच ऑन हो, ऑफ हो और फेस बंद हो जाए,
करंट ख़त्म हो जाए। इस तरह आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं, ये देखें।